हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मेरा दो ऑपरेशंस हैं। कल रात में ही एडमिट हो जाना था मुझे, बट चित्रांश और जीवा के कारण डॉक्टर से बात करके मैं आज अर्ली मॉर्निंग एडमिट होने के लिए बोली। चित्रांश और जीवा को छोड़ के जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा, लेकिन क्या करूं, 2 से 3 दिन के लिए अब मुझे जाना ही पड़ेगा। बस प्रिपरेशन में जा रही हूँ अब ऑपरेशन के लिए। 8 बजे तक मुझे हर हाल में हॉस्पिटल पहुँचना है। आप लोग प्रे करें कि जल्दी रिकवरी हो और जल्दी वापस आऊँ मैं। हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। अब आगे का फॉर्म फिल का सबमिशन का प्रोसेस होगा। आइए चलते हैं हम काउंटर पे रिसेप्शन के पास। रिसेप्शन अभी खाली है, कोई आया नहीं है और हमारी प्रोसेस आगे बढ़ रही है। आइए हम लोग प्रोसेस पूरी करें। हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, एडमिशन पूरा हो गया है और बस कटने पिटने की तैयारी। दद्दा हमारे साथ रहेंगे। जीवा छोड़ तो नहीं रही थी, बहुत रो रही थी आते टाइम पे, लेकिन क्या करें, मजबूरी है इसलिए छोड़ के आना ही पड़ा। शहडोल की ये मेरी फेवरेट हॉस्पिटल और फेवरेट डॉक्टर डॉक्टर जैन, विनम्र जैन, बहुत ही अच्छे सर्जन हैं और इनका हाथ बहुत ही अच्छा है। मेरी मदर का भी ऑपरेशन इन्होंने ही किया था और आज मैं भी आई हूँ अपना ऑपरेट कराने के लिए। मेरे भी दो ऑपरेशन एक साथ हैं। प्रे करिए कि जल्दी रिकवर हूँ और जल्दी जीवा से मिलूँ, चित्रांश से मिलूँ, घर पहुँचूँ जल्दी से। यहाँ की ग्रीनरी मुझे और थोड़ी ओपन स्पेस जो दिया गया है हॉस्पिटल में, इनका वेंटिलेशंस बहुत ही अच्छा है। लाइट रहे ना रहे, चारों तरफ से प्रकाश आता रहता है और ये सब बहुत अच्छी चीज़ें दी गई हैं। हमने प्राइवेट रूम लिया हुआ है। चलिए हम आपको दिखाते हैं प्राइवेट रूम अपना। यहाँ का काउंटर है, सिस्टर्स लोग बैठती हैं रिसेप्शन पे। ये हमारा प्राइवेट रूम है जहाँ पे पिछले आगे आने वाले 2-3 दिन तो काटने ही काटने हैं। पापा आए हुए थे साथ में, बट उनको दिक्कत होती है ऑपरेशन वगैरह देखने से या कुछ ऐसा नडल्स या थोड़ी भी ब्लड आए टेस्ट वगैरह, तो मैंने उनको घर भेज दिया। मैं और अमित हैं यहाँ पे। डॉक्टर ने हमें ये रेस्पायरोमीटर प्रिस्क्राइब किया है हमारे लंग्स टेस्टिंग के लिए। लंग्स कितने मजबूत हैं, ब्रीदिंग कितनी अच्छी हो पा रही है लंग्स में, तो ये इस प्रकार से होता है। इसमें 3 बॉल्स होती हैं जिसे हमें उठाना पड़ता है हवा फूंक के और हवा अंदर इनहेल करके, और ये माउथ का पीस है जिसे हम माउथ पे लेते हैं और इसे ब्रीथ करके इसे बॉल्स को उठाते हैं। देखिए इस प्रकार से हम बॉल को उठाते हैं, सॉरी, सबसे पहले ये सीधा रखते हैं और इसे सीधा रखने के बाद हम इनहेल करते हैं, अंदर की तरफ सांस खींचेंगे तो हमारी ये बॉल्स उठती हैं। एक बॉल्स उठती है, पहले प्रैक्टिस नहीं होती या ब्रीथ अच्छा नहीं होते लंग्स में, रेस्पायरो सिस्टम के फंक्शंस, तो ये आपकी एक बॉल उठेगी, फिर 2 बॉल उठेगी, देन 3 बॉल। अगर हमारे लंग्स अच्छे हेल्दी होते हैं तो ये तीनों बॉल्स अच्छे से उठ जाती हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते 3 बॉल अच्छे से आती हैं। देखिए अभी तो मेरी फर्स्ट टाइम ये ट्राई कर रही हूँ, मैं 3 बॉल आपको उठा के दिखाती हूँ जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे लंग्स कैसे हैं। अच्छा, ये एक्सरसाइज करते समय हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये जो 3 बॉल्स जब ऊपर आती हैं
तो हमें कुछ टाइम तक इनको होल्ड करके यहाँ पे रखना चाहिए, जैसे आपकी ब्रीद और लंग्स आपके अच्छी ऑक्सीजन ले सके और अच्छे से उनकी एक्सरसाइज हो सके। देखिए इस प्रकार से, ये इनहेल करके हमने किया और इसी को हम जस्ट अपोजिट कर देंगे बैक साइड से और इसे हम ब्रीथ बाहर की तरफ छोड़ेंगे और फिर हम इसे उठाएंगे। प्रैक्टिस नहीं है अच्छे से हमारी अभी और इस कारण से अभी दो बॉल्स ही उठ रही हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये तीनों बॉल्स भी उठ जाती हैं। इस प्रकार हम अपने लंग्स की एक्सरसाइज करते हैं और उससे हमारे लंग्स मजबूत होते हैं। डॉक्टर्स लोग ये ऑपरेशन के पहले लंग्स को ऑक्सीजन सप्लाई अच्छे से हो सके इसलिए उसकी टेस्टिंग करते हैं इसे देखें, और ये जरूरी भी होता है। नॉर्मल हम घर पे भी जो हमारे घर पे माता पिता हैं या बुजुर्ग जो भी हैं उनके लिए भी हम ये यूज कर सकते हैं। इसका एक सबॉर्डिनेट भी होता है अगर हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, क्योंकि ये 700-800 समथिंग का कुछ का आता है। अगर हम पैसे यूज नहीं करना चाहते कि इन्वेस्ट कर रहे हैं या फालतू में खर्च हो रहे हैं, तो ये जिनके पास नहीं भी पैसे होते हैं तो वो नॉर्मल जो बैलून्स होते हैं या फुग्गे होते हैं उनको आप लेके फुलाएं छोड़ें ऐसा डेली अर्ली मॉर्निंग 5 से 6 बार करना चाहिए, जिससे आपकी ब्रीदिंग सिस्टम और लंग्स अच्छे मजबूत होंगे।